निजी कार्य से खुर्जा पहुंची उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कड़ी सुरक्षा के बीच डीएम रविंद्र कुमार और बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मौके पर रहकर किया राज्यपाल का स्वागत। मुंडाखेड़ा चौराहा स्थित एक पॉटरी में पहुंची महामहिम राज्यपाल, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुई। प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर शोले फिल्म के वीरू की तरह हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा प्रेमी। प्रेमी के सर से इश्क का भूत उतारने टावर के नीचे जमा हुए ग्रामीण, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बचाई युवक की जान। दूसरे समुदाय की लड़की से शादी की मांग को लेकर हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा था प्रेमी। पुलिस से छुड़ाकर युवक की पिटाई करना चाहते थे ग्रामीण, पुलिस ने बचाई युवक की जान। टावर पर चढ़े युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। वायरल वीडियो बीते कल का बताया जा रहा है। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के टावर पर चढ़े युवक का है वीडियो। चोरी तो ना कर रही होगी। खुर्जा के पुराना जीटी रोड स्थित एएसकेआरए इंटर कॉलेज में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए चयनित परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए दो पालियों में परीक्षा आयोजित कराई गई। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने परीक्षा केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी और सीओ सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। फायरिंग करते ग्राम प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। वायरल वीडियो में फायरिंग करता नजर आ रहा मुरादाबाद का ग्राम प्रधान। वीडियो संज्ञान में लेकर मामले की जांच में जुटी बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद ग्राम प्रधान है फायरिंग करने वाले युवक। आराम चढ़ा चढ़ गया। हाँ, विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपनी शिकायतों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चकबंदी विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग समेत कई विभागों पर किसानों का शोषण करने का लगाया आरोप। मांग पूरी न होने पर अधिकारियों के दफ्तर में तालाबंदी की भी किसानों ने दी चेतावनी। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। हमारी जो समस्याएं हैं वो चकबंदी विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, पशु विभाग डॉक्टर से हैं, बिजली विभाग से हैं और दूध के जो प्लांट खुर्जा में लगे हैं उनसे भी हैं। इन सारी समस्याओं में जो चकबंदी विभाग है वो गरीब किसानों का शोषण कर रहा है, उनकी पूरी ज़मीन नहीं नाप रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग है। पशु विभाग में खुरपका मुंहपका के जो रोग आ रहे हैं उनके लिए वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, उसकी भी शिकायत है। यूरिया की बहुत बड़ी किसानों की किल्लत चल रही है, यूरिया की भी शिकायत है। बिजली विभाग में किसानों के घरों को छोड़ते हुए सीधी लाइनें खींच दी गई हैं और बिल अधिक मात्रा में बिल निकाल रहे हैं, इनकी भी शिकायत है। इन सभी विभागों के खिलाफ यदि सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की जाती है तो इन सभी विभागों के तालाबंदी भारतीय किसान यूनियन करेगी। जिस दफ्तर में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी उसी दफ्तर में तालाबंदी की जाएगी। राशन विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, एक किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उसमें कटाई चल रही है। कब तक धरना रहेगा? जब तक किसान का समाधान नहीं होता तब तक धरना यथावत चलता रहे। होली ब्राह्मण कॉलोनी के लोगों ने खुर्जा सिकंदराबाद रोड किया जाम, नगरपालिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिजली घर के पीछे स्थित गली में जल भराव से तंग आकर कॉलोनी वासियों ने लगाया रोड पर जाम। प्रदर्शनकारियों ने नगर चेयरमैन और पालिका के अधिकारियों पर शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान न करने का लगाया आरोप। पालिका के कर्मचारियों पर और भी कई गंभीर आरोप। सुनवाई न होने से तंग कॉलोनी वासियों ने लगाया रोड पर जाम। नगर चेयरमैन और पालिका कर्मचारियों के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। पालिका पर कुंभकर्णी नींद सोने का भी आरोप। बुलंदशहर के खुर्जा नगर के पुराने खुर्जा सिकंदराबाद रोड पर लगाया गया स्थानीय लोगों द्वारा जाम। मेरा नाम जगवीर शर्मा, निवासी इसी गली का हूँ। रोड 2.5 साल से परमानेंट पानी भरा हुआ है, कभी निकाल दे उससे जनरेटर से, कभी
एक बार निकाल दिया तो शाम को भर गया, शाम को निकाल दिया तो सुबह भर जाता है। डेली हम 4 महीना से तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो पानी न भर रहा हो। 60 लाख की कॉपी आ गई, ले लो। तो अभी तक किसी अधिकारी को शिकायत दी क्या? डीएम के लिए मैंने डीएम के लिए सबूत है, डीएम ने दिया है, एसडीएम को दिया है, नगर पालिका में 2-3 बार दे दी और 10-76 पर कम से कम 50 फोन करे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रोड जलाल गोता में यहाँ का निवासी हूँ। इस गली में पिछले 5 साल से कीचड़ भरी रहती है हमेशा, कभी कभार वो सफाई हो जाती है, अगले दिन फिर कीचड़ भरी रहती है। मेरा व्यापार है यहाँ पर, मेरा काम है बिल्कुल बंद है। मेरे पड़ोसी हैं जगवीर शर्मा, उनकी लैब बंद पड़ी है, काम धंधे बिल्कुल बंद पड़े हैं। और हमारी समस्या मैंने 10-76 में कम से कम 25 बार फोन किया है, हमारी कोई विशेष बढ़िया सुनवाई नहीं होती है। इस गली में बहुत ज़्यादा परेशानी है, नगर पालिका के पास जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा। कल तो नगर पालिका हमने योजना पर फोन करा था, 2 बार फोन नहीं उठा रहा, उसके बाद उन्होंने बदतमीजी से बात करी। फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल, वायरल वीडियो में पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा युवक। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गांव के ही किसी व्यक्ति ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है दबंग युवकों का कारनामा। फायरिंग करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। वर्तमान ग्राम प्रधान का पुत्र भी बताया जा रहा फायरिंग करने वाले युवकों में शामिल। मामले की बारीकी से जाँच कर रही पुलिस। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गेंदपुर शेखपुर का मामला। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।